हेलो दोस्तों, हर्षिका अकाउंटिंग में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है हॉस्पिटल अकाउंटिंग के बारे में। यानी कि आगे की वीडियो में हमने काफ़ी सारे अकाउंटिंग की बात करी थी, जैसे कि कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग कैसे होता है, पेरोल कैसे होता है, और स्कूल अकाउंटिंग कैसे होता है। ऐसे हम स्टार्टिंग से अलग अलग एरिया को कवर करके अकाउंटिंग का वीडियो बनाते हैं कि आप हर एक फील्ड का अकाउंटिंग कैसे कर सकते हैं। तो अभी हमारा नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हॉस्पिटल अकाउंटिंग। यानी कि आपने देखा ही होगा कि हम जो हॉस्पिटल होते हैं तो उसमें कैसे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर काम करता है। यानी कि हॉस्पिटल में हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं जबकि हम बीमार पड़ते हैं या हमको कोई बड़ी बीमारी होती है, तो उसके लिए हम हॉस्पिटल जाते हैं। तो हॉस्पिटल में सिर्फ हम दिखाने जाते हैं तो सिर्फ उसका ही एक्सपेंस नहीं होता है, काफ़ी अलग अलग दूसरे भी डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि मेडिसिन वगैरह भी हो गया और लैब टेस्टिंग हो गया। जैसे कि हम अपना जो ब्लड है वो देते हैं तो उसमें टेस्ट करके आता है, उसके लिए अलग अलग मशीन चाहिए होती है। तो ऐसे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर काम करता है। तो अभी हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसकी 2 से 3 वीडियो आएंगी हॉस्पिटल अकाउंटिंग की। तो अभी ये हमारा पार्ट 1 है और दूसरे पार्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप प्लेलिस्ट में भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, हर्षिका अकाउंटिंग में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हमने यहाँ पर अलग अलग प्लेलिस्ट बना के रखी है जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। तो कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग पे भी हमने वीडियो बनाया है, स्कूल अकाउंटिंग पे बनाया है, अभी भी रिसेंटली पेट्रोल पंप का भी हमने प्लेलिस्ट बनाया था, और ऐसे ही पेरोल पे और पूरा का पूरा टेलीप्राइम का कोर्स बनाया है जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट पे कर सकते हैं। तो अगर आपने हमारे वो वाले प्लेलिस्ट की वीडियो नहीं देखी है तो वो ज़रूर से देख लें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने यहाँ पर एक आर्टिकल लिखा हुआ है हॉस्पिटल अकाउंटिंग का, तो वहाँ से आप पूरा का पूरा ओवरव्यू देख सकते हैं कि कैसे आपको क्या करना है। तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इसमें मैंने सारा डिटेल में लिखा हुआ है कि आपको कौन कौन से लेज़र बनाने हैं और उसका ग्रुप कौन सा होना चाहिए। तो बात करें GST की, तो हॉस्पिटल यानी कि जो भी डॉक्टर अपनी सर्विस देता है तो उस पर हमको GST नहीं देना होता है, यानी कि हॉस्पिटल वाले जो बिजनेस में GST नहीं होता है। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल के साथ में अपना मेडिकल स्टोर है पास में, अगर वो सेल करते हैं मेडिसिन तो वहाँ पर आपको GST देना पड़ता है। तो अगर आप डॉक्टर की प्रैक्टिस करते हैं तो अगर आपका 20 लाख से टर्नओवर बढ़ जाता है सालाना, तो आपको GST नंबर भी लेना होता है और मेडिसिन वगैरह पे भी आपको GST कलेक्ट करके सरकार को जमा कराना होता है। अगला आर्टिकल का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, यहाँ पर भी ओवरव्यू में लिखा हुआ है कि GST पे हॉस्पिटल बिजनेस पे GST लगता है या नहीं लगता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लिखा है कि हॉस्पिटल में कोई भी प्रकार का GST नहीं है, वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन अब जो GST का जो रूम का रेंट होता है तो वो 5,000 से बढ़ जाता है, तो आपको 5% देना होता है, वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। और साथ में आपको कंसल्टेंसी फी यहाँ पर 0 है, यानी कि उसमें आपको GST नहीं देना होता है, और मेडिसिन पे आपको GST कलेक्ट करना होता है और वो देना होता है। तो वो बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम सबसे पहले टेलीप्राइम में आ गए हैं, तो टेलीप्राइम से स्टार्ट करते हैं हमारी नई सीरीज। तो हम यहाँ पर एक नई कंपनी ही बना देंगे, तो यहाँ से हम Alt+F3 प्रेस करेंगे और क्रिएट कंपनी पे जाएंगे और
हॉस्पिटल अकाउंटिंग की मैं यहाँ पर नई कंपनी बना देती हूँ, और यहाँ पर आपको जो भी डिटेल पूछ रहा है वो डिटेल सारी की सारी फिल कर देनी है, और फाइनेंशियल ईयर भी सिलेक्ट कर देना है, और हम इसको कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। तो अभी आपने अगर नया स्टार्ट किया होगा तो आपको जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, तो आप अपने टेलीग्राम में जीएसटी को नो ही रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको जीएसटी एप्लीकेबल करना है तो यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं, जो कि हमारा यस रहने ही वाला है, तो हम इसको कर देंगे कंट्रोल ए करके सेव। अब हम यहाँ पर मैंने जो आर्टिकल लिखाया है वो बता देती हूँ। तो इसमें मैंने बताया है कि सबसे पहले हमको लेज़र बनाने हैं। तो ये कुछ लेज़र है जो बेसिक हमारे होते हैं, कि कैपिटल अकाउंट हो गया, और कुछ हमारे सप्लायर के नेम है, परचेस है, सेल्स है, और इनपुट टैक्स लिखा हुआ है, लैब टेस्ट वगैरह। यहाँ पर मैंने पूरी की पूरी लिस्ट देख के रखी है। आप ये सारे के सारे लेज़र हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो कैपिटल अकाउंट तो सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टेली में जाके क्रिएट में जाएंगे और लेज़र में जाएंगे, तो कैपिटल अकाउंट बना देते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में आपको जनरली जो आपकी ओनर का नाम होता है वो आता है, या तो हॉस्पिटल का नाम आता है, तो वो हमारा आएगा कैपिटल अकाउंट में। और फिर दूसरा है बैंक, हमने यहाँ पर बैंक का भी लेज़र बना दिया है जिसको आपको रखना है बैंक अकाउंट में। और यहाँ पर दूसरी जो चीज़ें हैं अकाउंट होल्डर, ये सब आपको फिल कर देनी है। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ अभी दिखाने के लिए ही बना रही हूँ, तो मैं सारी की सारी डिटेल यहाँ पर नहीं फिल करने वाली, तो इसको मैं कर दूँगी कंट्रोल ए करके सेव। अब आएगा हमारा जीएसटी। तो अगर आप पे जीएसटी, आपके हॉस्पिटल में जीएसटी एप्लीकेबल है, तो आप जीएसटी लगा सकते हैं, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगर आप अलग अलग टैक्स वाले जीएसटी बनाना चाहते हैं, जैसे कि सीजीएसटी 6% 9% ऐसा, तो आप वो भी बना सकते हैं, नहीं तो आप एक कॉमन भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर कॉमन ही बना रही हूँ, और इन्वेंटरी बनाते टाइम मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगी कि मेरे को टैक्स रेट लिखना है। परचेस अकाउंट बना देंगे, और उसका अंडर ग्रुप आएगा हमारा परचेस अकाउंट। यहाँ पर हमारी कुछ सप्लायर है, तो यहाँ पर मैंने 3 सप्लायर दिखाए हैं। आप एक ही सप्लायर या तो 2 सप्लायर बना सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आपकी नीड के हिसाब से है। तो मैं यहाँ पर अभी एक ही सप्लायर बना रही हूँ, TRA फार्मा, इसको मैं सन्ड्री क्रेडिटर में रखूंगी, क्योंकि हम उससे माल परचेस करने वाले हैं, यानी कि हमारे हॉस्पिटल में जो भी मेडिसिन वगैरह होती है वो हम परचेस करने वाले हैं। अब हम बना देते हैं मेन हमारी जो अलग अलग तरीके की फीस होती है, यानी कि अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसकी एक फीस होती है कंसल्टेंशन फी, और उसके बाद में होती है लैब टेस्टिंग फी, यानी कि अगर कोई पेशेंट हमारे पास आया और हमने उसका ब्लड ग्रुप लेके, या तो यूरिन का भी सैंपल होता है वो लेके आप जो रिपोर्ट निकालते हैं, तो उसके लिए भी आप अलग से चार्ज करते हैं, तो उसको हम लेब चार्जेस बोलेंगे, तो आप उसका भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कंसल्टेंसी चार्जेस का बना देती हूँ। तो ये हमारा आएगा डायरेक्ट इनकम, और हम इसको कर देंगे कंट्रोल ए करके सेव। और फिर आएगा हमारा लैब टेस्ट चार्ज, उसको भी हम इनडायरेक्ट इनकम में रखेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए इनकम है। और फिर बनाना है एक्सरे, यानी कि आपको पता ही होगा कि अगर आपका कोई ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें आपको एक्सरे निकालने पड़े, जैसे कि कोई हड्डियाँ टूट जाती है, तो उसके लिए हमको एक्सरे निकालना पड़ता है, तो हम उसके अलग से चार्जेस लेते हैं। तो हम यहाँ पर एक्सरे चार्जेस का बना देंगे, जो हमारे लिए इनकम है, तो हम उसको रखने वाले हैं डायरेक्ट इनकम में। और इनकम फ्रॉम हॉस्पिटल प्रॉपर्टी लिखा है, यानी कि अगर आप
अपनी हॉस्पिटल से कोई भी प्रकार की प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट करते हैं तो वो आएगा, तो ये सारे केस में नहीं होता है। और अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं डोनेशन। तो आपके हॉस्पिटल में कोई प्रकार के अगर डोनेशन आते हैं तो आप उसका भी लेज़र बना सकते हैं। और ऑपरेशन चार्जेस का भी मैंने यहाँ पर लिखा है, यानी कि अगर आप अपने हॉस्पिटल में ऑपरेशन करते हैं तो उसके जो चार्जेस लेते हैं उसका भी हम यहाँ पर इनडायरेक्ट इनकम में लेज़र बना देंगे और इसको भी कर देंगे कंट्रोल ए करके सेव। अब हमारे हॉस्पिटल में जो भी हमारी मशीनरी होती है, जैसे कि प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, एक्सरे का जो मशीन होता है वो है, और ब्लड बैंक, रेफ्रिजरेटर, तो ये सारी की सारी फिक्स असेट है। तो वो अगर आप परचेज करते हो तो आपको उसके लिए भी लेज़र बनाने होते हैं। और ये बेसिक चीज़ें जो होती है वो हॉस्पिटल में होती ही है, तो मैं यहाँ पर बना देती हूँ। तो पेशेंट मॉनिटर बनाना है जो हमारी फिक्स असेट है, जिसको हम फिक्स असेट में रखेंगे। और यहाँ पर अगर आपका जीएसटी एप्लीकेबल है तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि आपका कितने परसेंटेज का ये जो है मॉनिटर है, तो उसकी आप आईटीसी क्लेम कर सके। तो आप यहाँ पर स्पेसिफाइड डिटेल हियर करके 18% टैक्स मैंने यहाँ लगा दिया है और इसको मैं कर दूंगी कंट्रोल ए करके सेव। और फिर हमारा दूसरा लेज़र जो है वो मोनोग्राफी यूनिट है, उसको भी मैं फिक्स असेट में रख के 18% टैक्स कर देती हूँ। तो हम जब लेंगे तो यहाँ पर हम इसका आईटीसी क्लेम कर पाए। इसको मैं कंट्रोल करके सेव कर दिया है। तो दूसरे भी आप जो भी यहाँ पर फिक्स असेट है वो आप अपने टेलीप्रे में बना सकते हैं। मैं डेमो के लिए अभी सारे के सारे लेज़र नहीं बना रही हूँ, तो आप यहाँ से सारे के सारे लेज़र बना सकते हैं। अगर आप अपनी आवश्यकता अनुसार आपके हॉस्पिटल में जो जो चीज़ें यूज़ होती है वो सारा का सारा यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा जो आता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस आता है, तो मेडिसिन चार्जेस। तो हम जो मेडिसिन परचेज करते हैं तो उसका भी हम चार्जेस का एक लेज़र बनाएंगे जो कि हम अपने पेशेंट को देने वाले हैं। और वो परचेज के लिए आपको अलग से बनाना होता है मेडिसिन चार्जेस को मैं रखूंगी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और मैं इसको कर दूंगी कंट्रोल ए करके सेव। और सर्जिकल इक्विपमेंट एक्सपेंस, यानी कि हम जो भी इक्विपमेंट हमारे यूज होते हैं हॉस्पिटल में, तो उसका जो हमारा एक्सपेंस होता है अलग अलग तरीके का वो आएगा। तो यहाँ पर भी मैंने दूसरे जो भी हमारे एक्सपेंस होते हैं वो यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, तो आप वो भी सारे के सारे बना सकते हैं। जैसे कि हमारा सैलरी आ गया एक्सपेंस, तो उसको मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रख देती हूँ। यानी कि हमारे हॉस्पिटल में जो भी वार्ड बॉय होता है, नर्सिस वगैरह होती है, वॉचमैन होते हैं, तो सबकी जो हमें सैलरी देनी होती है तो वो हमारा सैलरी एक्सपेंस में आएगा। तो यहाँ पर हम पेरोल के हिसाब से सैलरी नहीं लिखने वाले हैं, हम डायरेक्टली मंथ के एंड में हमने कितनी सैलरी पेमेंट करी है उसका ही एंट्री करेंगे। क्योंकि आप टेलीप्राइम में ये सारी एंट्री नहीं कर सकते हैं कि कोई पर्सन कितना दिन आया है और कितना दिन नहीं आया और उसको कितनी सैलरी देनी है, तो वो सारी की सारी चीज़ें पेरोल में आ जाती है। तो आप चाहे तो वो वाला आप हमारा प्लेलिस्ट देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया हुआ है कि आप कैसे अपनी कंपनी के लिए पेरोल का देख सकते हैं, यानी कि अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो वो काफ़ी बड़ा डिटेल का वीडियो है, तो आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो एक पूरा प्लेलिस्ट है, तो वहाँ आप देख सकते हैं। तो हमने मेन मेन लेज़र जो थे वो हमने बना दिए हैं। अब हम यहाँ पर चाहे तो आप स्टॉक यूनिट बना सकते हैं मेडिसिन का, और अगर आप मेडिसिन डायरेक्टली स्टॉक में मेंटेन करना नहीं चाहते, डायरेक्टली
करने चाहते हैं तो आप वो भी डायरेक्टली कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर स्टॉक यूनिट वाला जो पार्ट है वो स्किप कर रहे हैं। आप चाहें तो अपना स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली मेडिसिन परचेज की और सेल्स की एंट्री कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अब भी हमने पूरा का पूरा मेन जो चीज होती है लेजर बनाना, स्ट्रक्चर वगैरह, तो वो सीख लिया है। और आगे आने वाली वीडियो में हम एंट्री करके भी देख लेंगे कि आप कैसे इसकी एंट्री कर सकते हैं और कौन कौन सी एंट्री कहाँ पे होगी। तो वो सारी की सारी डिटेल जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर देने का ज़रूर से प्रयास करेंगे। और अगर आपने हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी ज्वाइन कर ले। और ये जो आर्टिकल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप घर बैठे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर ले। और अदर प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर से करें और कमेंट भी ज़रूर से करें। और दूसरी वीडियो के लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, ताकि आगे अगर कोई भी हमारी वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।